नवी मुंबई के पावने में गणतंत्र दिवस की धूम, तिरंगे की शान में गूंजे देशभक्ति के तराने। गणतंत्र दिवस पर आज नवी मुंबई के पावने में सांस्कृतिक सामाजिक संस्था जैम्ब मित्र मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया। लोकतंत्र के इस राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ सर्वधर्म समभाव और एकता में अनेकता का नजारा देखने को मिला। यहाँ सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराते हुए देशभक्ति के तराने गाए। इस अवसर पर जहां साहित्यकार अरविंद राही और सपा के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अफसर इमाम ने एकजुटता का नारा बुलंद किया, वहीं पूर्व नगर सेवक मधुकर मुकादम और शिवसेना पदाधिकारी दिलीप जगताप ने स्थानीय लोगों की सेवा को लोकतंत्र की सच्ची सेवा बताया। महानुभावों ने नागरिकों से मिलजुल कर देश और समाज की प्रगति में हाथ बटाने का भी आह्वान किया। कि एक ही भावना है कि राष्ट्र जो है अपने उत्तरोत्तर शिखर की ओर बढ़े, परम वैभव को प्राप्त करे, यही भावना लेकर के सभी इकट्ठा होते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं सभी को। और ये गांव पावने गांव, मैं इसको मिनी इंडिया बोलता हूं, मूर्तमान भारत है। किसको भी भारत का सृजन देखना है, भारत किस तरह से सृजित हुआ है, तो उसको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए पावने गाँव में। और जिस तरह का प्रयास यहाँ के लोग कर रहे हैं, जय अम्बे मित्र मंडल के माध्यम से मार्कंडेय केवट जी हैं, हरिओम जी, अजय कृष्ण तिवारी हैं, शिवजी हैं, तमाम ऐसे लोग सबका नाम लेना संभव नहीं, मधुकर मुकादम जी हैं, ये लोग जिस तरह से मिल करके अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के लोग जिस तरह से मिल करके एक मूर्तिमान भारत का यहाँ निर्माण करते हैं, वह अपने आप में प्रणम्य है। और वही उसी भावना का आज के दिन प्रकटीकरण होता है, जहाँ हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने संविधान के साथ रहें, अपने संविधान के साथ चलें, देश की एकता अखंडता अक्षुण रहे, और उसके लिए हम एकत्रित होते हैं यहाँ पर। नवी मुंबई के सारे नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पावने गांव में इकट्ठा हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो हम हमेशा अपने गांव की बात करते हैं, देश की बात तो हमेशा सारे नेता लोग करते रहते हैं, सारे देश प्रेमी करते हैं, तो हमें हमारे गांव की ज़्यादा चिंता है, तो हम पहले हमारे गांव की बात करते हैं। साथ देंगे और सभी को फिर से गणतंत्र दिन की शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद। गणतंत्र के दिवस पर आज यहाँ पावना गाँव में जय अम्बे मित्र मंडल की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो एकदम खूबसूरत कार्यक्रम था। सभी जात धर्म प्रांत के सभी लोग इकट्ठा हुए थे और आज एक दूसरे को सब बधाई दे रहे हैं। बहुत लोगों ने संविधान के बारे में भी बात की और आज का जो अपना संविधान है वो पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। हर वर्ग के, हर तख्त के लोगों को संविधान ने अपने अधिकार दे दिए हैं और उसी अधिकार से हम अभी हिंदुस्तान में जी रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो गया कि रियल में ये जो फ्लैग होस्टिंग होना चाहिए, जिस तरह से जय मित्र मंडल जो कर रहे हैं, इसी तरह से होना चाहिए। यहाँ पर मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे सभी नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया और सारे लोगों को अपने मत को बोलने का मौका दिया गया। सभी जाति धर्म प्रांत के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनका हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ उनको। और आज ये 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, इसकी सभी लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन ही आज देखा जाए कि हमारे देश का संविधान यहाँ पे लागू हुआ था और ये संविधान कोई मामूली नहीं है, बल्कि सारे विश्व में, सारे देश में इसको जाना जाता है और देश हमारा जो है बहुत अच्छा है और मैं देश के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बता दें कि लोकतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में बीजेपी के हिंदी भाषी नेता राजेश राय, राजेंद्र इंगले, समाजसेवी जोगिंदर रस्तोगी, पत्रकार उत्कर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक मात्रे, समाजसेवी निजाम अली शेख समेत तमाम अतिथि मौजूद थे। जैम्बे मित्र मंडल के अध्यक्ष मार्कंडेय केवट और सचिव अजय कृष्ण तिवारी ने यहाँ प्रांत और समुदाय से ऊपर उठकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले नागरिकों के प्रति आभार जताया और सबको लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देश के नेक काम में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश के बारे में सारे लोग संकल्पित होते हैं, ये बहुत गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हर वर्ष, हर समय, हर वक्त ये सब लोग हमारे साथ, हमको साथ देते रहें और हम लोग देश की जागरूकता में आगे बढ़ चढ़ के काम करें। एक इंसान का यही धर्म है कि सब धर्म
जाति पंथ छोड़कर अगर हम एक जगह आए हैं, देखिए इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, शिवसेना के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, हमको नहीं लगता है कि किस पंथ और कौन से पार्टी से लोग यहाँ आते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता कहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।